तारू जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तारू जी, पहले लोग कहा करते थे कि खेल खेलने से पढ़ाई में बाधा आती है, आपको क्या लगता है, सच है क्या? आप पढ़ाई और खेल में तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। दोनों का अपना एक अच्छा, एक अलग महत्व होता है। पढ़ाई करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और खेल से तो हम अपने देश का गौरव कर सकते हैं, हम देश को ऊंचा नाम दे सकते हैं। तो पढ़ाई और खेल दोनों करते हुए हम अपने देश को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और देश को प्राउड भी कर सकते हैं। आपके साथ कौन कौन है तारू से? सर, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं और हमारे राज्य के DC सर हैं। अच्छा, तो तारू जी, ये विचार सब कहाँ से आया तुम्हें? चंडीगढ़ कब से रहती हो? सर, मैं काफी समय से चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करके चंडीगढ़ के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप मेरी कॉम को अपना आदर्श मानती हैं, और उनकी कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? सर, मेरी कॉम की अनेक खूबियां हैं, अगर मैं बताने लगूं तो पूरी मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। मुझे मेरी कॉम इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे को सिखाती है कि हमारी लाइफ में, हमारे स्पोर्ट्स में कितनी भी स्ट्रगल आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, हमें उसे पार करके अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। उन्होंने इंडिया का नाम भी प्राउड किया है और उसके साथ साथ वे एक एक्सेलेंट मदर भी हैं, वाइफ और बेटी भी हैं, तो वो अपने खेल और पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस भी करती हैं। तारू जी, आप इतनी सीरियस बातें क्यों करती हो? सर, मैं सीरियस बातें नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे देश का नाम ऊंचा करना है, इसलिए मैं डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रीम पे ही एम करूँ। अच्छा, पहली बार विदेश गई तब उम्र कितनी थी तुम्हारी? सर, इस समय, इस उम्र में मैं अभी विदेश नहीं गई हूँ क्योंकि अभी तक एज कैटेगरी नहीं थी, तो मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ जिसको Degree 1 ब्लैक बेल्ट और ब्लैक बेल्ट Degree 2 भी मिली है। देखिए, आपने छोटी सी उम्र में बहुत सी उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से हमारी कोशिश यही है कि हम अपने खिलाड़ियों को हर तरह से सपोर्ट करें। इससे भी बड़ी कोशिश है कि हम ये भाव जगा सके कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में किसी भी स्तर पर संघर्ष करते रहें, जीतते रहें और जीत सकते हैं। आप जैसे युवा खिलाड़ियों को देखकर मुझे बहुत संतोष होता है। आपने जो लक्ष्य बनाया है उसमें पूरा देश आपके साथ है। आप जम करके मेहनत कीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।